हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रेशनल नंबर के एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पता करेंगे कि इसको कैसे स्टेप वाइज और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, और आपका जो भी कमेंट हो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं, थैंक यू फॉर योर नाइस सपोर्ट। देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/3 टू गेट दिस नंबर। ओके, लेट द नंबर, हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। एक्स हम नंबर एज्यूम कर लेंगे नाउ। अब देखो स्टूडेंट, इक्वेशन हमारा क्या बनता है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मींस से, ओके, इट मींस इस फ्रैक्शन में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दैट वी विल गेट दिस फ्रैक्शन। ओके, नाउ -5/3 माइनस एक्स, माइनस क्यों है, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट दिस नंबर -3/4। दिस इज द इक्वेशन, देखिए एक क्वेश्चन बन गया, अब हमें सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। ओके, यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, नाउ माइनस एक्स हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, -3/4 देन इट विल बी पॉजिटिव माइनस 5/3, हियर इज प्लस पॉजिटिव साइन। नाउ माइनस एक्स इक्वल टू, विल टेक द एलसीएम ऑफ 4 and 3, ओके, वी विल गेट 12, 4 3 12 एंड 3 3 9, -9 प्लस 3 4 12 एंड 4 5 20, ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा आप सभी बच्चों को। माइनस एक्स इक्वल टू -9 प्लस 20, वी विल गेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट, वी विल गेट 11/12, ओके। नाउ माइनस को हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, एक्स इक्वल टू -11/12, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ओके।